हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों के बारे में उससे बेस कुछ क्वेश्चनों को हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं और इस कक्षा में भी हम चतुर्भुज और त्रिभुजों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बेस कुछ अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस कक्षा में हमें दिए गए हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। आकृति 9.27 में ए बी सी डी ई एक क्या है? पंचभुज है। पंचभुज क्या होता है? जिसकी पांच भुजाएं होती हैं। बी से होकर ए सी से के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई और डी सी को एफ पर मिलती है। दर्शाइए कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सी बी बराबर है ए सी एफ के, और सेकंड क्या दिया गया है, ए सी ए ई डी एफ बराबर है ए बी सी डी ई के। अब देखिए, आपको दिया गया है ए बी सी डी ई, एक पंचभुज दिया गया था यहाँ पर आपको। हमने क्या किया, यहाँ पे बी से होकर ए सी से खींची गई समांतर रेखा बढ़ाई गई डी सी को एफ पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? एफ पर। तो कहाँ तक बढ़ा दिया इसको हमने? एफ तक बढ़ा दिया। अब देखिए क्या आगे हटा। अब दर्शाना क्या है कि ए सी बी बराबर है ए सी एफ के। ए सी बी देखिए, ए सी बी ये वाला एंगल आ गया आपका, ये जो एंगल है आपका बराबर है किसके, ए सी एफ के, ए सी एफ के इस वाले एंगल के बराबर आ गया। आई बात समझ में? और सेकंड क्या आपको दिया गया है, ए ई डी एफ, ए ई डी एफ एक आपका ये एंगल आ गया बराबर है ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के ये एंगल और ये एंगल के आकार दोनों के बराबर बताने हैं। अब देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको दिया गया है फर्स्ट वाला, त्रिभुज ए बी सी और ए सी एफ एक ही आधार ए सी पर एक ही समांतर रेखाओं ए सी और एफ बी। अब देखिए ए सी का है और एफ बी ये रही, तो ए सी और एफ बी क्या आ गई, समांतर रेखाएं। ए सी समांतर रेखा एफ बी क्या है, एफ बी और क्या है आगे कि आपको के बीच स्थित है, और क्या दिया गया है, ए सी बी बराबर है ए सी एफ के, तो ए सी बी बराबर है ए सी एफ के। तो ए सी बी, ए सी और बी आपका बराबर है किसके, ए सी एफ के, ए सी एफ के। अब देखिए, एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, कि जहाँ जिसका आधार भी क्या हो, एक हो और उनकी रेखाएं भी बीच में स्थित हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे आएंगे आपके, हमेशा बराबर आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए सी बी बराबर ए सी एफ के ये बताना है हमें। अब देखिए, दोनों और ए ई डी सी जोड़ने पर, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों में ए सी ई डी जोड़ दिया, ए सी बी प्लस ए सी ए ई डी सी और ए सी एफ और ए डी ई सी, ए सी बी प्लस ए ई डी सी बराबर ए सी एफ प्लस ए ई डी सी, ये जोड़ दिया और क्या आ गया आपका, ए बी सी डी ई इज इक्वल टू ए ई डी एफ। तो ए बी सी डी ई आ गया आपका ये वाला, और आ गया ए डी ई डी एफ, यहाँ से आ गया आपका ये डी एफ वाला आपका ये बन गया इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए दोनों के आ गए आपके इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है, उसके पास ऐसी जमीन है जो चतुर्भुज के आकार की है। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उस भूखंड के एक कोने पर उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। तो पंचायत ने कहा कि उसका कुछ पार्ट्स, उसका कुछ भाग वो लेंगे ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके, ताकि वहां एक हॉस्पिटल या कुछ प्राइमरी एड्स के लिए कुछ बनाया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे उस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए जो भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए।
स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। अर्थात वो चाहता है कि जो भूखंड उसने दिया है ए बी सी डी का जो भाग है उसे कोई और भाग इतना ही त्रिभुजाकार में कहीं और मिल जाए। तो हमें क्या करना है, चतुर्भुज के भाग को ही के त्रिभुज जो क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल का हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना है ताकि उसको वो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जा सके। अब माना ए बी सी डी इतवारी का भूखंड है और बी डी को मिलाया, किसको मिलाया, बी और डी को मिलाया। यहाँ देखिए इस प्रकार हमने इसको मिला दिया और सी से बी डी से समांतर रेखा सी एफ खींची। अब देखिए सी से बी डी से समांतर रेखा इस प्रकार हमने खींच दी कि आ गया आपका एफ आ गया और बिंदु ए बी को एफ पर काटती है। ए बी को कहाँ काटती है, एफ पर। ये इस प्रकार आ रही है रेखा, ठीक है, और डी और एफ को मिलाया। तो हमने क्या कर दिया, डी और एफ को क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया। ये देखिए इस प्रकार ये रेखा मिला दी। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं आगे, त्रिभुज सी बी डी और एफ बी डी एक ही आधार बी डी और एक ही समांतर रेखाओं बी डी समांतर सी एफ के बीच स्थित हैं, जिसमें सी बी डी बराबर है एफ बी डी के और एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और दोनों ओर बी डी एम घटाने पर। अब देखिए त्रिभुज की शेप आपको दी गई है, यहाँ पर हमने एम पॉइंट ले लिया, ये मध्य बिंदु यहाँ का, ये हमने एफ तक इसको बढ़ाया था। यहाँ हम देख लेते हैं ए बी सी और डी, डी को हमने कहाँ तक बढ़ाया, एफ तक, और ये क्या आ गया आपका बी पॉइंट, और एम क्या हो गया इसका मध्य बिंदु। अब हमने दोनों में से क्या किया, बी डी एम और इसमें से भी बी डी एम को माइनस किया, तो सी बी डी माइनस बी डी एम और एफ बी डी माइनस बी डी एम। अब सी डी एम बराबर क्या है, बी एफ एम, उसे सी डी एम के बदले उस भूखंड के संलग्न त्रिभुज बी एफ एम दे दिया जाए तथा भूखंड त्रिभुज ए डी एफ त्रिभुजाकार हो जाए। तो उसको क्या पता चलना चाहिए कि उसका जो बी डी एम दे दिया गया है उसका ए डी एफ क्या हो जाए, त्रिभुजाकार हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 13। ए बी सी डी एक संलंब समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और ए सी के समांतर एक रेखा ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध कीजिए कि ए डी एक्स बराबर है ए सी वाई के, ए डी एक्स बराबर है ए सी वाई के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब रचना देखिए आप, यहाँ पर सी एक्स को मिलाया, सी से एक्स को मिलाया मैंने, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको हमने मिला दिया। अब त्रिभुज ए डी एक्स और ए सी एक्स एक ही आधार ए एक्स, ये देखिए ए एक्स आ गया आपका, ए डी एक्स ये आ गया आपका और ए सी एक्स, ये आ गया आपका, और रेखाओं ए बी और डी सी के बीच स्थित हैं ए बी और आपका डी सी, दो रेखाएं हो गई है तो दोनों के बीच स्थित हैं। अब ए डी एक्स बराबर है ए सी एक्स के, तो ए डी एक्स बराबर है ए सी एक्स के, क्या है समीकरण नंबर एक आ गया आपका, एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच इससे त्रिभुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी वाई और ए सी एक्स एक ही आधार ए सी और एक ही समांतर रेखाओं ए सी समांतर रेखा एक्स वाई के बीच स्थित हैं, ए सी रेखा एक्स वाई के बीच स्थित हैं। अब क्या है, ए सी वाई बराबर है ए सी एक्स के, समीकरण नंबर दो आ गया आपका, तो ए सी वाई बराबर है ए सी एक्स के, और क्या है समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो से, ए डी एक्स बराबर है ए सी वाई के, तो ए डी एक्स बराबर किसके आ गया, ए सी वाई के, ए सी वाई आपका ये वाला जो त्रिभुज आ गया, ये त्रिभुज क्या आ गए आपके, दोनों बराबर आ गए।
और इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने समझ के किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिया गया है। आकृति 9.28 में ए पी और बी क्यू और सी आर क्या है, समांतर है। सिद्ध कीजिए कि ए क्यू सी बराबर है पी बी आर के। तो ए पी, ये क्या आ गया बी क्यू, और ये क्या आ गया सी आर, क्या हो गए आपके बराबर आ गए। देखिए इस प्रकार आ गया है। अब क्या है, त्रिभुज ए बी क्यू और ए क्यू बी एक ही आधार बी क्यू, दोनों का आधार क्या आ गया बी क्यू, बी क्यू और समांतर रेखाएं बी क्यू समांतर ए पी के, बी क्यू और ए पी दोनों क्या हो गई समांतर हो गई, बी क्यू और इजिकल टू समांतर बराबर भी हो गई और क्या हो गई समांतर रेखाएं हो गई ए बी और बी क्यू। यहां हम लिख लेते हैं बी और क्यू समांतर रेखा ए पी के। अब देखिए ए बी क्यू बराबर है बी पी क्यू के, समीकरण नंबर 1 आ गया। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि त्रिभुज बी क्यू सी और बी क्यू आर एक ही आधार बी क्यू, तो बी क्यू सी कहाँ है बी क्यू सी, ये आपका आ गया त्रिभुज आपका बी क्यू सी और बी क्यू आर, बी क्यू आर ये वाला आ गया, एक ये और एक आपका ये, दो दिख रहे होंगे आपको अलग ही, ये आ गए आपके बी क्यू की समांतर रेखा, और दोनों की समांतर रेखा क्या है बी क्यू, बी क्यू और सी आर। अब आप क्या आ गई आपकी बी क्यू किसके समांतर आ गई सी आर के, और बी क्यू किसके समांतर थी ए पी के। अब आ गया आपका समीकरण नंबर 2, बी सी क्यू बराबर है बी क्यू आर के। समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने जोड़ दिया है, तो ए पी बी क्यू प्लस बी क्यू सी इजिकल टू पी बी क्यू प्लस बी क्यू आर, क्या आ गया ए क्यू सी बराबर है पी बी आर के। तो ए क्यू सी बराबर पी बी आर के, तो ए क्यू सी ये आ गया आपका, ये बड़ा वाला एंगल पूरा इसके बराबर आ गया पी क्यू आर के, पी बी आर के, पी बी आर। तो हमारा ए क्यू सी बराबर है पी बी आर के बराबर आ गया, ये वाली बात समझ में आ गई आपको क्लियरिटी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 15 दिया गया है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी क्या है एक समलंब है, क्या है क्या सिद्ध करना है ए बी सी डी क्या है एक समलंब है। अब बी ओ डी ए ओ डी बराबर बी ओ सी के है, और ए ओ बी को जोड़ने पर इसमें हमने जोड़ दिया है, तो ए ओ डी प्लस ए ओ बी जोड़ दिया, अब बी ओ सी में भी हमने ए ओ बी जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया ए बी डी, और ये बन गया आपका ए बी सी। तो ए बी डी और ए बी सी एक ही आधार ए बी पर स्थित है, किस पर स्थित है स्थित है, और ए बी डी क्या आ गया आपका बराबर ए बी सी के, इसलिए आपका ए बी समांतर है डी सी के। एक ही आधार पर वाले त्रिभुज जो क्षेत्रफल में बराबर हो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आपके ए बी सी डी क्या हो गया एक समलंब आ गया, तो ए बी सी डी क्या आ गया एक समलंब। ये बात आपको क्लियर हो गई समझ में आई अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिया गया है। आकृति 9.29 में डी आर सी इक्वल टू डी पी सी है और डी पी क्यू क्या है ए आर सी, दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ए बी सी डी और डी सी पी आर समलंब है। तो आपको दोनों वही क्वेश्चन आपको जिस रिपीटेड क्वेश्चन हमने अभी किया है, ये दोनों क्या हो गई
ये तीनों क्या आ गए आपस में समांतर आ गए, ए बी समांतर डी सी समांतर आर पी इस प्रकार। और हमने पहले इस वाले त्रिभुज में लिया तो डी सी पर स्थित है और ये आ गया डी आर सी और डी पी सी। देखिए आधार वाले त्रिभुज जो क्षेत्रफल में बराबर हो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, डी आर सी एक समलंब है और सेकेंड वाला ले लिया अब हमने तो दोनों में से घटा दिया डी आर सी और डी आर सी तो आ गया ए डी सी और डी डी सी। ए डी सी और ए डी बी डी सी के आधार डी सी पर स्थित हैं और ए डी सी और बी डी सी क्या हो गए बराबर हो गए, इसलिए ए डी बराबर हो गया समांतर हो गया डी सी के। एक ही आधार वाले त्रिभुज जो क्षेत्रफल में बराबर हो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो ए बी सी डी के आगे एक समलंब आ गया। तो आज हमने क्या सीखा कि समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज को किस प्रकार हमने पढ़ा और त्रिभुजों के माध्यम से उसको कैसे स्पष्ट किया जाएगा, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।